डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो तरह का केस आएगा, आने वाला है। एक आएगा इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल, दूसरा आएगा अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक, अब देखिए ये लिए हम एक ग्राफ, ग्राफ आप लोग देखे हैं ना, ग्राफ पे जानते हैं ना, ये दो एक्सिस होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है, बेसिक नॉलेज है तो ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इधर से मिटा दे रहे हैं इसको, इसका कोई काम ही नहीं है हमको, ठीक। इधर वाला मिटा दे रहे, बोलने का मतलब क्या, नेगेटिव वाला मिटा दे रहे, इधर नेगेटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है, नेगेटिव वाला का कोई काम नहीं है। -5 किलोमीटर, क्या समझा इससे, -5 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, करके दिखा, बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम नेगेटिव वाला हटा दिए, कोई इसका मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक। इधर हम ले लेंगे टाइम, एक्स एक्सिस पे ले लेंगे क्या टाइम, और इधर वाला वाई एक्सिस पे ले लेंगे डिस्टेंस। अच्छे से समझ बेटा, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स समझने वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को छोड़ करके फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री थोड़ी ना है, कुछ नहीं समझ में आया तो अपवाद बोल दो, एक्सेप्शन फिजिक्स है, फिजिक्स में बिना कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होता है। तो ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, ये हो गया ओ, का मतलब होता है ओरिजिन, कोई भी जो शुरुआत यहीं से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और ये चूंकि टाइम है तो ये हो गया पहला घंटा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं T1, ये ले लिया T2, T3, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में इसको मान लेते हैं, ये तो डिस्टेंस है ना, तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, चूंकि ये डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है, वो स्पीड से कम कवर कर रहा है ना, जिसमें एक स्पीड आएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं S1, ये ले लेते हैं ये S3, बातें समझ में आ रही है, कोई डाउट है, पक्का, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम वाला लाइन, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस वाला लाइन, जिसमें वो डिस्टेंस कवर करेगा स्पीड की मदद से, ठीक है। जितना ज्यादा वो स्पीड चलाएगा गाड़ी को, उतना ज्यादा वो डिस्टेंस को कवर करेगा, कहानी तो यही है, ठीक। अब पहले घंटे में वो इतना दूरी तय किया, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो यहां पर एक पॉइंट आएगा, दूसरे घंटे में ये गया इधर, S2 आया, बात समझ में आ रही है। ये जितना भी हो, अभी तक कोई नंबर नहीं दे रहे, बस हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और चौथे घंटे में, ठीक है, और यहां से एक लाइन अगर खींचेंगे तो ये कैसे जाएगा, स्ट्रेट होकर के जाएगा, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ था इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। अब इसमें से किसी भी दो पॉइंट को हम ले लेंगे, किसी भी, अच्छे से समझना बेटा यहां पे, कि किसी भी किसको ले लेंगे, दो पॉइंट को ले लेंगे जिसका हमको स्पीड निकालना हो। मान लेते हैं कि यहां पॉइंट ले लेते हैं ए, यहां पॉइंट ले लेते हैं बी, और हमको मालूम करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का उसका कितना स्पीड था, बात समझ में आ रही है। हमको पूरा का नहीं निकालना है, हमको निकालना है ए से बी का। तो ए से बी का स्पीड निकालेंगे तो इसका भी पता चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब एक घंटे का अगर स्पीड मालूम चला, इसका मतलब उसी स्पीड से वो स्टार्टिंग से ही चला रहा है, तो हमको तो मालूम चल जाएगा ना कुल मिलाकर के स्पीड कितना है, क्योंकि कम तो हुआ नहीं है। अगर कम होता तो ये लाइन स्ट्रेट थोड़ी ना जाता, नहीं आया, ठीक। तो एक पॉइंट हम ले लिए ए और एक पॉइंट ले लिए बी, कंफ्यूजन ना हो तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देंगे आगे पीछे, ताकि आपको कंफ्यूजन, ऐसे होना नहीं चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है, मान लो इसको मिटा देंगे तो रहने दे कि मिटा दें, रहने दे, अच्छा लग रहा है देखने में, चलो ठीक। तो अब यहां पे हम सिर्फ इस पॉइंट और इस पॉइंट का स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये जितना स्पीड होगा उतना ही स्पीड यहां भी है, उतना ही स्पीड यहां भी है, उतना ही स्पीड यहां भी है, ठीक। तो स्पीड का इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, जल्दी से बोल बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो ये है ना हमारा, यस ठीक है, डिस्टेंस हमारा ये है और इसको ये वाई एक्सिस है, तो सर, वाई एक्सिस में अगर हम इसको माने वाई वन, इसको माने वाई टू, इसको माने वाई थ्री, इसको माने वाई फोर, हम निकाल रहे कौन सा पॉइंट, ये वाला और ये वाला पॉइंट, यानी वाई टू और वाई थ्री, समझ में आ रहा है, जी सर, वाई टू और वाई जी थ्री, यानी हम डिस्टेंस की जगह पर लिख सकते हैं ना वाई टू माइनस वाई वन, कितना का मतलब क्या होता है, ज्यादा वाला से कम घटा वाला को क्या करेंगे, देंगे। घटा देंगे, तो वाई टू यहाँ पे ज्यादा है, सॉरी ये तो ना वाई थ्री माइनस वाई टू होगा ना, ठीक है, वाई थ्री माइनस, बात समझ में आ रही है। और टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन ए और बी, इसका टाइम देखिए क्या हो जाएगा, हाँ टी थ्री, लेकिन ये तो एक्स एक्सिस है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं बेटा बोलो तो, एक्स थ्री माइनस लिख सकते हैं, वाई थ्री माइनस वाई टू अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स टू। अब वाई थ्री माइनस वाई टू की जगह पर हम लिख सकते हैं एस थ्री माइनस एस टू, बात वही पड़ेगा, तो एस थ्री माइनस एस टू अपॉन इधर कितना आ जाएगा, टी थ्री आएगा ना। तो ये देखो, ये जो हम स्पीड इज इक्वल टू लिखे हैं, स्पीड इज इक्वल टू वाई थ्री माइनस वाई टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू, इसका मतलब ये जो हम लिखे हैं ना, इसको हम बोलते हैं स्लोप। एक चाचा जी आए हैं अभी अभी, उनका नाम है स्लोप, अच्छे से देख लो बेटा, स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, बात समझ में आ रही है, स्लोप का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है, तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहां पे ऐसे लिखो, डिस्टेंस किधर है, डिस्टेंस तो आपका वाई एक्सिस में है ना, और टाइम कहां पर है, एक्स एक्सिस में, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है वाई एक्सिस में, टाइम है एक्स एक्सिस में, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्लोप, बात समझ में आ रही है, यानी यहां पर हम स्पीड की जगह पर क्या लिख सकते हैं, स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई थ्री माइनस वाई टू अपॉन एक्स थ्री माइनस, और इसी को लिख सकते हैं एस थ्री माइनस एस टू अपॉन टी थ्री माइनस, बात समझ में आ रही है, यानी जब भी हमको स्पीड निकालना होगा तो हम निकालेंगे स्लोप, जब भी हमको स्पीड निकालना होगा हम क्या निकालेंगे, स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है, और निकालने का वही प्रोसेस, क्या करेंगे, अधिक में से कम को माइनस कर देंगे तो मालूम चल जाएगा, ठीक है, हम लोग मालूम किया है ना, वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं, मालूम है ना, कि ज्यादा वाला में से कम, अगर बोले चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, तो अधिक में से क्या करेंगे, कम वाला माइनस कर देंगे तो मालूम चल जाएगा, तो कुल मिलाकर के हमको क्या पता करना रहता है, स्लोप, बात समझ में आ रही है, जब भी हमको स्पीड निकालना होगा हम निकालेंगे स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, घुसा, थोड़ा बहुत भी अगर घुसा है ना तो आराम से धूमधाम से रहना, टेंशन मत लेना, क्योंकि इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, और जब एक दो न्यूमेरिकल बनने लगेगा तो पूरा का पूरा यहाँ पे मामला समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में कुछ चीजें जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे तब तक समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे